जैसे जैसे उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर गर्मा रही है, वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी वोटरों को लुभाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। विधानसभाओं में राजनेता अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी को जीत के लिए जनता के बीच लुभाने का काम किया जा रहा है। जहां एक ओर सावेर विधानसभा से भाजपा के संभावित उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट ने अपनी जीत की दावेदारी करते हुए घर घर तुलसी वितरण की जा रही है, वहीं कांग्रेस के सावेर विधानसभा में अपना भाग्य आजमा रहे कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू भी पूरी ताकत से अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क के साथ ही इस सावन माह में शिवलिंग विदित कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदाशिव यादव ने बताया कि सावन माह के इस पवित्र महीने में जहां घर घर शिव की पूजा की जाती है, जहां एक ओर मंदिरों के पट अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के दौरान बंद है, इसके मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर जाकर शिवलिंग वितरित किया जा रहा है। शिव की आराधना की जाएगी, लोगों के जीत का आशीर्वाद लिया जाएगा। वहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पूरे 24 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। इंदौर ब्यूरो से मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। हमने इसको पूरी राजनीतिक तौर से नहीं जोड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा धार्मिक रूप में ही लिया है और पूरा उसको नॉन पॉलिटिकल रहेगा। और ये हमारा करीब 1.5 महीने से चल रहा था, 1.5 महीने से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 51,000 शिवलिंग की घरों में स्थापना करने की तैयारी से संकल्प लिया था हमने, लेकिन 65,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए उसके। हम ये चाहते थे कि कोरोना की वजह से तमाम कांवड़ यात्राएं बंद हो गई, मंदिर के दर्शन बंद हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम पे भगवान महाकाल की जो हमारे को शक्ति देते हैं, बुरी ताकतों को नाश करने का काम करते हैं, तो हम घर घर उनकी स्थापना करवाएं और घर में बैठ के जो लॉकडाउन से लेके इसमें जो लोग घरों में बैठे वो उनकी पूजा पाठ करें, इसके ये संकल्प के साथ हम लोग ये शिवलिंग का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।